एक खास मुद्दा ये बना हुआ है कि जो कोई भी गरीब है वो लोग क्या करते थे कि हमारे यहाँ पे डिपो में लकड़ी मिलती थी। अब उन्होंने वो आहिस्ता आहिस्ता से खत्म कर दिया। अब ही जो है रिसेंटली एमडी ने किसी को ये भी कहा कि हम लोग कुपवाड़ा से जो आप लोग हैं हम आपको देवदार की लकड़ी नहीं दे सकते, इवन डिपो से भी नहीं दे सकते। प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारी लकड़ी है, हमारा जंगल है, एटलीस्ट हमें तो दे दीजिए उतना। अगर किसी को IAY केस जो है, मान लीजिए आप लोग भी रिकमेंड करते हैं, पंचायत भी रिकमेंड करते हैं, उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं, अगर वो 2 लाख में लकड़ी ही लाएगा तो फिर वो घर कैसे बनाएगा? आई बिलीव कि दिस शुड हैव बीन रेज्ड, आई डोंट नो व्हाई। एब्सोल्युटली फेयर, लेकिन ये सवाल आप जरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस से पूछे, ये चेंज किसने लाई? ये चेंज उनके कोएलिशन पार्टनर जो जिस जिस कैबिनेट का पार्ट हमारे सजाद गनी लोन साहब थे, उसी कैबिनेट के पार्ट हमारे जो ये क्या नाम है इनका, लाल सिंह साहब थे, चौधरी लाल सिंह थे, वो फॉरेस्ट मिनिस्टर से, दिस इज अ चेंज दैट ही ब्रॉट। व्हाई डिड सजाद साहब नॉट ऑब्जेक्ट टू इट? व्हाई डिड ही नॉट, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं एस्पिरेशंस रेज किए? आई थिंक आप थोड़ा सा शायद इसको कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज चौधरी लाल सिंह के टाइम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके SFC को दिया गया था लकड़ी निकालने का काम। नहीं, पहली चेंज तो उसी वक्त हुई ना, पहली चेंज उसी वक्त हुई जो ये उस वक्त रेट जो रिवाइज हुए, उससे पहले तो लोकल को पहले तरजीह दी जाती थी। ये जो मेन प्रॉब्लम जो है वहीं से स्टार्ट हुई, आप इस पर रिसर्च करिए, आप देखिए उस टाइम पे तो इन्होंने रेज नहीं किए। हमें देखिए यही चीज है, यही बात, ये बहुत आसान होता है बोलना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब आपके पास पावर था आपने तब क्या किया? जब आपके अब आप ये पल्ला नहीं झाड़ सकते ना, आप बोलेंगे हाँ जी ये तो लाल सिंह जी ने किया, बट ही वॉज योर कैबिनेट कोलीग, उन्हीं के कोटा से तो सजाद साहब मिनिस्टर थे ना, उन्हीं के कोटा से थे, उन्हीं के कलीग थे, उनके लिए तो वो बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे असेंबली में, आपने भी देखी होंगी वो तकरीरें, कैसे डिफेंड करते थे वो बीजेपी को असेंबली में। आज जरा उनसे सवाल पूछिए। नहीं, मैं तो डेफिनेटली पूछूंगा, मैं नेवर आई गेट अ चांस, आई विल डेफिनेटली, बट मैं ये पूछूंगा, बट यस इंशाल्लाह वी हैव, इससे पहले भी जब हमारी मीटिंग भी हुई उसमें भी हमने ये इशू रेज किया, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम लोग जो है ये इशू रेज करेंगे। इनफैक्ट मैंने हमारे इरफान साहब जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनके साथ भी बात की है कि हमारी काउंसिल की तरफ से एक रेजोल्यूशन जाना चाहिए कि अगर कुपवारा से लकड़ी निकलती है उसका पहला हक जो है कुपवारा की अवाम को होना चाहिए, और एक सब्सिडाइज रेट पर, ये एक ही तराजू में ना तोले, अगर ये हमारे रिसोर्सेज हैं तो इसमें तरजीह हमें मिलनी चाहिए और एक सब्सिडाइज रेट पे, ताकि जो हमारे अवाम है, गरीब अवाम है, उनको भी मौका मिले कि जो ये हमारे रिसोर्सेज यहाँ से बाकी जगह जा रहे हैं उसका एक फेयर शेयर जो है वो हमें भी मिले।